नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। आरएनसी नर्सिंग एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ओबीजी के मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉप 20 एमसीक्यू बारे में जो रेशनल के साथ में अपन डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बैक टू बैक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहेगा आज का, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशंस। तो ओवुलेशंस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहता है, ये आप जनरली एग्ज़ाम के अंदर देखा होगा, ये क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल रहता है या एडीएच रहता है, एफएचएस या एलएच। ऑक्सीटोसिन जो होता है, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है इजेक्शन के लिए, मैंने पहले ही बताया था, और इसको क्या लव हार्मोन बोला जाता है। देन ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या मिल्क के इजेक्शन के लिए और जो बेबी होता है उसको एक्सपेल्ड आउट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये यहाँ पे गलत आंसर होगा। एडीएच जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है यूरिन आउटपुट को रोकने के लिए, यूरिन आउटपुट का रोकने के लिए, मतलब एंटी डायूरेटिक्स हारमोन्स होता है। और जो एफएचएस होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, जो फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स का मैचुरेशंस करवाता है। देन अपना जो राइट आंसर जो होगा वो होगा एलएच, लूटेनाइजिंग हार्मोन। लूटेनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल रहता है ओवुलेशंस के लिए। जनरली अगर आपको दोनों के अंदर दोनों बहुत ऑप्शन पूछे जाए तो बहुत रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, बट इनमें भी अगर मेनली पूछा जाए तो एलएच इज द मोस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया। प्राइमरी एमनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेन क्या होता है, तो आपको बताना है यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। लैक्टेशन होता है या प्रेगनेंसी, मेनोपोज या गोनेरल डिसजेनेसिस। लैक्टेशन सभी एमनोरिया के कॉज होते हैं, बट इनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताना, मोस्ट कॉमन पूछा गया है यहाँ पे। तो मोस्ट कॉमन की अगर बात की जाए, मोस्ट कॉमन प्राइमरी एमनोरिया की बात की जाए, अगर प्राइमरी एमनोरिया लिखा हुआ है यहाँ पे तो होगा गोनेरल डिसजेनेसिस होता है। गोनेरल डिसजेनेसिस में क्या होता है, प्रॉपर रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट नहीं होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो प्राइमरी एमनोरिया का अगर पूछा जाए तो गोनेरल डिसजेनेसिस होता है। देन अगर ये ऑप्शन नहीं हो, अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए, सिंपल मोस्ट कॉमन, तो उसका राइट आंसर होगा मेनोपोज। मेनोपोज जो होगा वो मोस्ट कॉमन या सेकेंडरी एमनोरिया का रेस्पॉन्सिबल रहता है मेनोपोज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, अ वुमेन्स कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव मोर देन 80 ml अमाउंट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज नोन एज। वुमेन कंप्लेन कर रही है एक्सेसिव अमाउंट, मैंने यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट बताया है, तो एक्सेसिव अमाउंट मीन्स मोर देन अगर 80 ml। नॉर्मल अगर मेंस्ट्रुअल की बात की जाए तो नॉर्मल 20 to 60 ml होता है मेंस्ट्रुअल का ब्लड लॉस। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इसको, मेटोरेजिया बोलेंगे या पॉलीमेनोरिया, मेनोरेजिया या मैनोमेट्रोरेजिया। तो यहाँ पे मेट्रोरेजिया जो होता है वहाँ पे इरेगुलर अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो मेट्रोरेजिया बोला जाता है। पॉलीमेनोरिया मीन्स फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है मेंस्ट्रुअल की फ्रिक्वेंसी। और यहाँ पे मेनोमेट्रोरेजिया देन मेनोरेजिया। मेनोरेजिया जो होता है वो होता है एक्सेसिव, यहाँ पे राइट आंसर होगा एक्सेसिव। अगर अमाउंट में पूछा जाए आपको एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, तो यहाँ पे मेनोरेजिया राइट आंसर होगा। अगर इरेगुलर पूछा जाए, इरेगुलर, तो मेट्रोरेजिया होगा, इसमें अमाउंट नॉर्मल होगा बट इरेगुलर आएगी। और यहाँ पे मेनोरेजिया में क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट अगर मोर देन 80 ml पूछा जाए तो मेनोरेजिया। अगर मेनोमेट्रोरेजिया पूछ जाए तो ये दोनों कंडीशन इन्वॉल्व होगी, मेनो और मेट्रोरेजिया। तो इसमें क्या होगा, इरेगुलर होगी प्लस होगी एक्सेसिव अमाउंट में, तो मेनोमेट्रोरेजिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। ये देखिए क्वेश्चन आ गया है वापस, मैंने आपको बताया था अभी।
तो व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, तो आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आप अगर कमेंट करोगे तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, आप कितने राइट आंसर बता रहे हो, तो आप एग्ज़ाम में उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी आपके आंसर राइट आंसर करने की। तो आपको कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है, और साथ ही साथ चैनल को लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देन इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्लड फ्लो, मेंस्ट्रुअल का अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो कितना होता है वो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। 10 to 20 ml, 10 to 200 ml, 50 to 100 ml, या 20 to 60 ml। तो मैंने अभी बताया था राइट आंसर 20 to 60 ml जो होता है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, 20 to 60 ml। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, हार्मोनल स्टेटस एट मेनोपोज, अगर मेनोपोज हो रहा है वुमेंस के अंदर, मोस्टली मेनोपोज, मोस्टली जो मेनोपोज होता है वो आफ्टर 50 ईयर के बाद में होता है, 45 या 50 ईयर, यहाँ पे मान सकते हैं अपन 45 या 50, दोनों ऑप्शन राइट होंगे, 50 ईयर के बाद में मेनोपोज होता है। तो इसमें हार्मोनल का लेवल क्या होगा, इंक्रीज FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इंक्रीज LH लुटेनाइजिंग हार्मोन, डिक्रीज FHS, इंक्रीज एस्ट्रोजन्स, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, या इंक्रीज FHS और डिक्रीज LH। तो राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे कमेंट के अंदर आप बता सकते हो। तो एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट और OBGYN से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है इसका, हार्मोनल स्टेटस है मेनोपॉज, तो इसका राइट आंसर होने वाला है मोस्ट ऑफ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला, इंक्रीज FHS होगा और डिक्रीज LH। और मेनोपोज के टाइम में आपको पता होगा कि मेनोपोज के टाइम में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, दोनों का लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो उस टाइम में क्या वुमेंस के अंदर क्या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, व्हाई डज मेंस्ट्रुअल अकर एवरी मंथ्स, वुमेंस के अंदर मेंस्ट्रुअल होने का क्या रीजन है। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन, डिक्रीज LH FHS, या विड्रोवल फेनोमेना। तो राइट आंसर मैंने ऐसे पुट किया हुआ है यहाँ पे, आप बता सकते हो। तो मेंस्ट्रुअल होने का वुमेंस के अंदर मोस्ट ऑफ जो रीजन रहता है वो रहता है विड्रोवल फेनोमेना इज द राइट आंसर रहेगा। विड्रोवल फेनोमेना क्या होता है, विड्रोवल फेनोमेना होता है सडन फॉल डाउन ऑफ सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल आफ्टर रीचिंग टू पिक लेवल, पिक लेवल के बाद में जो पिक लेवल होता है प्रोजेस्टेरोन का, उसमें प्रोजेस्टेरोन के जो लेवल में सडन फॉल डाउन, मतलब उसका लेवल गिर जाता है अचानक, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, विड्रोवल फेनोमेना। तो उसके कारण मेंस्ट्रुअल ब्लीड देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नंबर क्वेश्चन, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वाइकल कैंसर, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एम्स के अंदर 2 बार पूछा गया है, और इसका यूजेज भी आपको मालूम होना चाहिए, कौन सी कंडीशन में करते हैं ये सब मालूम होना चाहिए आपको। तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, पंच बायोप्सी के लिए यूज करते हैं, रूबिन्स कैनुला, हेगार्स डायलेटर, या आयर्स स्पेचुला, इसको क्या बोलते हैं। मोस्ट ऑफ इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है, यूजेज मैं बता दूंगा आपको, यूजेज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे सर्वाइकल कैंसर के अंदर होता है, सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसके अंदर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, आयर स्पैचुला बोला जाता है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पूछा जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आयर स्पैचुला मीन्स सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं आयर स्पैचुला, पैप स्मियर जो होता है, नाम सुना होगा, पैप स्मियर स्क्रीनिंग के लिए करते हैं पैप स्मियर। तो यहाँ पे राइट आयर स्पैचुला, ये डायग्राम आप देख सकते हैं इसका, ये एग्ज़ाम में आने वाला है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए, तो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा आयर स्पैचुला, तो राइट आंसर बताना आपको एग्ज़ाम के अंदर। पंच बायोप्सी जो होता है वो होता है कन्फर्म जो टेस्ट होता है वो होता है पंच बायोप्सी, और आयर स्पैचुला जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और हेगार्स डायलेटर नॉर्मली जो वेजाइना को डायलेट करने के लिए लेते हैं, रूबिन्स कैनुला। और ये नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट रहेगा 8 नंबर, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर, अभी मैंने मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर बताया था, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको बताना है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप राइट आंसर बता सकते हैं,
एचआईवी होने वाला है एचपीवी, एससीवी या एचबीसी। एचआईवी मींस ह्यूमनो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, या एससीवी हेपेटाइटिस सी वायरस, या एचबीवी एचबीसी हेपेटाइटिस जो बी वायरस होता है वो। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। आपको एक नॉलेज के लिए बता दूँ सर, अगर मोस्ट कॉमन आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन इंडिया के अंदर कौन सा कैंसर होता है फीमेल्स के अंदर, तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर। और अगर सेकंड मोस्ट पूछा जाए तो सर्वाइकल कैंसर होता है, सेकंड मोस्ट सर्वाइकल कैंसर। एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है एचपीवी। एचपीवी से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यही होता है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हेपेटाइटिस एससीवी हेपेटाइटिस सी वो सी कॉज करता है, एसबीवी हेपेटाइटिस बी वायरस वायरस होता है जो एच हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, और एचआईवी एड्स कॉज करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच मेथड इज परमानेंट मेथड इज कॉन्ट्रासेप्टिव इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव परमानेंट मेथड कौन सा होता है, ट्यूबोस्टोमी, लैप्रोटोमी, वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबोस्टोमी ऐसे कुछ होता नहीं है, लैप्रोटोमी जो होता है वो एब्डोमेन के लिए करते हैं, आपको पता होगा। वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल के अंदर होती है, परमानेंट मेथड होता है। और जो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ट्यूबेक्टोमी, फीमेल्स के अंदर किया जाता है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेथड होता है, परमानेंट मेथड होता है। ट्यूबेक्टोमी में फैलोबियन ट्यूब को बोथ साइड से कट कर देते हैं, वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, विच गैस आर यूज इन लैप्रोटोमी एब्डोमिनो सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, एब्डोमन जो पेरिटोनियल कैविटी को मतलब डिस्टेंडेड फुलाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, O2 या CO2। मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है इमेज, तो ये राइट आंसर होने वाला है CO2। CO2 मोस्ट कॉमन गैस यूज की जाती है लैप्रोटोमी सर्जरी के अंदर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चंस, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉन एज, ये टर्म एग्जाम में पूछी जाती है। पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या बोला जाता है, डिसफेजिया, डिस्पनिया, डिस्पर्निया या डिसयूरिया। डिसफेजिया जो होता है वो निकलने में प्रॉब्लम होती है, डिसफेजिया बोला जाता है। डिस्पनिया जो होता है वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। एंड डिसयूरिया जो होता है वो पेन ड्यूरिंग यूरिनेशंस, यूरिन करते हैं उस टाइम पेन होने लगता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन सी। डिस्पनिया जो होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन होने लगता है। नेक्स्ट एपिसोटोमी परफॉर्म, एपिसोटोमी कब करते हैं, बेस्ट आंसर बताना आपको इसमें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, फिटल एक्सपल्सन या जस्ट बिफोर क्राउनिंग। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको पता हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो करते ही नहीं है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेबर होने के चांसेस भी नहीं रहते। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफ लेबर होने के चांसेस रहते हैं, तो उसके अंदर करते हैं। बट इसमें मैंने पूछा आपको स्पेसिफिक अच्छा आंसर बताना है यहाँ पे। सेकंड ट्राइमेस्टर में तो करते हैं, ये तो सबको मालूम है, बट कब करते हैं, बेस्ट आंसर बताना है। तो बेस्ट आंसर इसका जस्ट बिफोर क्राउनिंग के एपिसोटोमी की जाती है। मोस्ट ऑफ जो करते हैं वो मीडियो लेटरल करते हैं, आपको पता होगा मीडियो लेटरल मोस्ट कॉमन जो करते हैं, मीडियो लेटरल एपिसोटोमी की जाती है। इसके अंदर एपिसोटोमी सीजर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन परफेक्ट आएगा, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। इससे रिलेटेड EDD से रिलेटेड, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ फीमेल, प्रेगनेंट फीमेल इज टेलिंग माई LMP इज 1 जनवरी। यहाँ पे फीमेल की LMP जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होने वाला है वो 1 जनवरी होने वाला है, बट MC उसकी क्या है 32 डेज चल रही है, 32 डेज की MC है। वॉट इज़ द EDD, अब इसकी EDD क्या होगी, आपको यहाँ पे 1 जनवरी दी हुई है, तो राइट आंसर बताना आपको 7 सितंबर, 1 अक्टूबर, 11 सितंबर या 7 अक्टूबर।
तो राइट आंसर आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के अंदर, कैलकुलेट करके बताएं। यहाँ पे राइट आंसर अपना होने वाला है, वो होने वाला है 11 सितंबर। अब 11 सितंबर कैसे आए, क्योंकि बहुत सारों का आंसर 7 सितंबर भी होगा, बट 7 सितंबर यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे 32 डेज़ की एमसी बताई हुई है, क्योंकि 20 डेज़ की होती है तब अपन 7 सितंबर आता, बट यहाँ पे 32 डेज़ है। तो आपको कुछ नहीं करना है इस साथ में, बेस्ट ट्रिक के साथ में बता रहा हूँ, अगर आपके 32 डेज़ की हो या 30 डेज़ की हो, कितनी भी डेज़ की हो, यहाँ पे जैसे 32 डेज़ की दी मैंने, तो यहाँ पे जो आने वाला है 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल होती है, तो 32 में से 28 को माइनस कर दो तो 4 आ जाएंगे, 4 डेज़ आ जाएंगे। उस 4 डेज़ को 1 जनवरी में अपन 7 7 डेज़ ऐड करेंगे, उस 7 डेज़ के अंदर अपन 4 डेज़ और ऐड कर देंगे, जो पीछे बच गए वो 4 डेज 7 सितंबर में ऐड कर दो, तो इसके अंदर टोटल 7 सितंबर हो जाएगा। और जो सितंबर कैसे आया, वो आया 9 मंथ ऐड करने से, 9 मंथ 7 डेज़ और 9 मंथ ऐड करने से, और एक्स्ट्रा 4 डेज ऐड कर दो, तो टोटल 11 सितंबर आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। मोस्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स रिसीव ड्यूअल ब्लड सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको बताना राइट आंसर। इंटरस्टिशियल, स्थमस, एम्पुला या इन्फंडिबुलम, ये फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट होते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंटरस्टिशियल, स्थमस, एम्पुला। एम्पुला जो पार्ट होता है वो मोस्ट कॉमन होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी पूछा जाए, मोस्ट ऑफ जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो भी एम्पुला के अंदर ही होती है। इनफंडिबुलम जो होता है फिम्ब्रिया, जो सबसे बड़ा डायमीटर के अकॉर्डिंग बड़ा होता है। देन नेक्स्ट इस्थमस, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और एम्पुला जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, इंटरस्टीर। इंटरस्टीजल जो पार्ट होता है वो मोस्टली ड्यूअल ब्लड सप्लाई रिसीव करता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द पेस मेकर ऑफ द यूट्रस, यहाँ पे पेस मेकर, यूट्रस का पेस मेकर किसको बोला जाता है, एसिनोड जो होता है वो होता है हार्ट का पेस मेकर होता है, एसिनोड, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, देन इंटरस्टिशियल या ट्यूबल ओस्टिया। तो राइट आंसर आपको बताना, राइट आंसर जो होने वाला है ट्यूबल ओस्टिया इज द राइट आंसर। आपको ये पार्ट दिख रहा होगा कॉर्निया ऑफ यूट्रस, इस पे यहाँ पे ट्यूबल ओस्टिया होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, ट्यूबल ओस्टिया, जिसको पेस मेकर ऑफ यूट्रस बोला जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइना इन विच प्रोसीजर, विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइना को क्या बोला जाता है, लेप्रोस्कोपी, कॉलोनोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी, फंडोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी एब्डोमेन पेरिटोनियल कैविटी का एग्जामिनेशन करते हैं, कॉलोनोस्कोपी कॉलोन का एग्जामिनेशन करते हैं, फंडोस्कोपी फंडस का एग्जामिनेशन करते हैं, और कॉल्पोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी होता है उसमें वेजाइनल का एग्जामिनेशन किया जाता है। ये डायग्राम देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये कॉल्पोस्कोप है ये वाला, और ये एग्जामिनर एग्जामिन कर रहा है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन होने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द वेट ऑफ यूट्रस, वेट बताना है यूट्रस का, आपको वेट बताना है। यहाँ पे एम्स बीएचयू के अंदर आया हुआ है 10 ग्राम, 25, 50 या 60, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा 60 ग्राम। 60 ग्राम जो होता है वो यूट्रस का वेट होता है। फिटल स्कल इज कंसिस्ट ऑफ, फिटल स्कल कंसिस्ट ऑफ, पटना एम्स के अंदर आया हुआ है, एम्स पटना के अंदर आया हुआ है, एम्स पटना के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बोन्स, 4 बोन्स, 8 बोन्स या 5 बोन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फिटल स्कल जो बना होता है वो 5 बोन पे बना होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वन साइड ऑफ आला ऑफ सैक्रल आर एबसेंट, मैंने यहाँ पे वन साइड बताया, तो वन साइड किस में होती है, रॉबर्ट पेल्विस, नीगल्स पेल्विस, गाइनेकोइड्स या एंड्रॉयड, ये देख सकते हैं आप, एक साइड सही है, एक साइड ये आला ऑफ सैक्रल एबसेंट है, तो यहाँ पे बताना राइट आंसर। राइट आंसर जो होगा आपको बताना है, यहाँ पे गाइनेकोइड जो होता है वो नॉर्मल पेल्विस होता है, एंड्रॉयड जो होता है वो मेल पेल्विस होता है, मैं सबके डायग्राम बताऊंगा आपको। रॉबर्ट पेल्विस जो होता है उसमें बोथ साइड आला ऑफ सैक्रल एबसेंट रहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा निगल्स पेल्विस। निगल पेल्विस में क्या होता है, वन साइड अगर आला ऑफ सैक्रल एब्सेंट रहता है तो निगल्स पेल्विस बोला जाता है। यहाँ पे आप टोटल सबके डायग्राम देख सकते हैं,
वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, रॉबर्ट पेल्विस, रॉबर्ट बोथ साइड, मैंने बताया था आपको बोथ साइड अलॉप सेक्रल एब्सेंट है। गायनेकोइड पेलिस, ये वेरी सुटेबल फीमेल पेल्विस होती है, अगर बर्थ के लिए वेरी सुटेबल अगर पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर तो गायनेकोइड होती है, जिसका अंदर का शेप होता है वो होता है राउंडेड, और ये हार्ट शेप मेल पेल्विस होती है, मेल पेल्विस होती है। और एंथ्रोपोइड्स और प्लेटीपलोइड, प्लेटीपलोइड जो होती है वो किडनी शेप्ड होती है, और ये जो होती है एप शेप, ये बंदर की जो पेल्विस होती है वो एप लाइक पेल्विस होती है, तो मोस्ट सुटेबल पेल्विस होती है वो गायनेकोइड होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम होने वाला ही है। नेक्स्ट लास्ट फाइनल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द वेलकम साइन ऑफ लेबर। तो क्विकनिंग जो होता है वो मदर के द्वारा 18 to 20 वीक्स पे फील किया जाता है, फील किया जाता है एक फिटल मूवमेंट, ये क्या है फिटल मूवमेंट होता है, फिटल मूवमेंट मूवमेंट होता है क्विकनिंग, और क्राउनिंग जो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो फिटल मूवमेंट होता है फिटल उस टाइम मैकेनिज्म के थ्रू, एंड सॉफ्टनिंग्स एंड लाइटनिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लाइटनिंग जो होता है वो वेलकम साइन ऑफ लेबर होता है, वेलकम साइन ऑफ लेबर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है, तो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो गाइस वीडियो टॉप 20 अच्छे क्वेश्चन थे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू गाइज़।